पहुंची। बोलने के लिए हमारे सभी भक्तों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? हाँ, आप पूछ रहे हैं। हाँ, अभी तक तो ढूंढा मिला नहीं, अब शायद जल्दी मिल जाए। ब्रह्मा कुमारी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनसे बहुत पूछा कहाँ है तो बताती तो है। हाँ, जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, कोई जवाब कहीं से मिल नहीं रहा है। आप लोग कुछ लिख लिख करके दे रहे हैं, कहीं ऐसा सुना गया है, हैं? एफिडेविट लिख लिख करके दे रहे हैं, फिर पूछते काहे के लिए है? हैं? बताते हैं इसका इसमें भगवान आते कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो व्यक्तित्व भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना कि मेरे अंदर भगवान कार्य कर रहा है। कौन? जिसको जिसको सब लोग बता रहे हैं। हाँ, कि इसके अंदर भगवान कार्य कर रहा करके। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा मुरलियाँ सुनाई गई, उसका पूरा क्लियरिफिकेशन इनके द्वारा मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो व्यक्तित्व की एक तरफ जब बताया जाता है तो, लेकिन वो व्यक्तित्व खुद जो मुकर्रर है वो नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरे अंदर भगवान कार्य कर रहा है। मैंने भगवान आकर के खुद कहे कि हम भगवान है तब हम मानेंगे, ऐसे तो ब्रह्मा बाबा ने खुद मुख से बोला कि मेरे अंदर शिव बाप आते हैं, तो भगवान मान लिया? खुद कहेगा तो मानेंगे, कोई भी खुद कहने लगे तो मान लेंगे? हमें लेकिन मुरली में तो बोला है कि खुदा खुद आके खुद का परिचय देता है। हाँ, मुरली में बोला है। कोई बच्चे में उतनी हिम्मत नहीं कि जो बाप को प्रत्यक्ष कर पाए, बाप खुद आके ही अपनी प्रत्यक्ष करता है। तो हम तो मान लेते हैं कि जो पूछ रहा है वो खुद खुदा है। तो फिर सर्वव्यापी हो गया बाबा। हाँ, भगवान सर्वव्यापी हो गया। नहीं नहीं, जो साबित करे वही हो गया। और आधार साबित भी किस आधार से करना है? ज्ञान के आधार पर साबित करना। ज्ञान माने समझ, इतना ही काफी थोड़ी हो सकता है। क्यों? ज्ञान के अलावा और क्या काफी हो सकता है? दुनिया तो कई तरह के सवाल करती है, वो सब ज्ञान की बातें नहीं होती है। जो भी समझाने की बातें हैं उसी को समझ कहा जाता है। ज्ञान से थोड़ी काफी होता है। हाँ, और काहे से काफी होता है? भागदौड़ करनी है। और 31 मार्च 2011 की अभी की अभिवाणी में ब्रह्मा बाबा ने कहा भोपाल टीम से कि अभी टू लेट तो आए हो, लेकिन परिचय तो मिला ना ब्राह्मण और ब्राह्मण परिवार का, माना टू लेट का बोर्ड लग गया। टू लेट आए हो लेकिन परिचय तो मिला ना। लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, सुना नहीं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। टू लेट का बोर्ड लगना मना 8 का डिक्लेरेशन हो जाना। जो 8 धर्मों के 8 पूर्वज विशेष हैं वो प्रत्यक्ष हो जाना। और सारे में सभी उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट निकलता है ना। जब टू लेट का बोर्ड लगेगा तो जिनका पास का रिजल्ट नहीं निकलेगा होपलेस नहीं होंगे। बोले सभी होपलेस हो जाएंगे। सभी होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल निकलेगा। हैं? अरे 8 नंबर तो निकल गया। लक्ष्य था नर से नारायण बनने का या नारायण समान बनने का, वो तो नहीं बन सके। कहते थे दुनिया वालों को ताल ठोक ठोक के कि हम तो नारायण बनेंगे, नारायण जैसे बनेंगे, एलियन सच में है क्या? अंतरिक्ष प्राणी दूसरे ग्रह के प्राणी को एलियन कहते हैं। देखे हैं क्या? टीवी में दिखाते हैं। टीवी में दिखाते हैं। टीवी वालों को चिट्ठी डाल के पूछो तुमने देखा है जो दिखाते हो। और अरे जोर से बोलो तो आवाज आए। हाँ जी हाँ हैं बना सर्वोपरि है बना बनाया ड्रामा। बने बनाए ड्रामा में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का जैसे पार्ट नुदा हुआ है वैसे मेरा भी पार्ट नुदा हुआ है। मैं भी अपने टाइम पर ही आऊंगा। ऐसे नहीं सतयुग में या द्वापर में या कलयुग में या जब चाहे तब आ जाऊं। और बुलाने पे कहाँ आता हूँ? 2,500 साल बुलाते रहे, बुलाने पे थोड़े ही आता हूँ। मुझे जब आना है तब ही आऊंगा। ऐसे नहीं तुम्हारे बुलाने पर आ जाता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। पिछले टाइम 4-5 पॉइंट जो एक पॉइंट उठाओ 4-5 इकट्ठे के उठाओ। हाँ एक 4-5 पॉइंट के पॉइंट लगाए थे और वो जगह जगह पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए थे। हाँ उसके ऊपर फोन नंबर भी दिए थे। हैं उसके ऊपर फोन नंबर भी दिए थे। हाँ और इस तरह से अभी भी एडवांस में एक चिट्ठी मिली है। हाँ उसमें कुछ पॉइंट बताए तो वो पॉइंट किस तरह से डिस्प्ले करें? क्या बताए हमें क्या मालूम? उसमें एक है वो वही पॉइंट है ब्रह्मा कुमारी या बताए नहीं तो हम बताए। हाँ कहाँ है? अलग अलग अब एक एक बात को हल करो ना। क्या पूछना चाहते? तो डिस्प्ले कैसे करना है? तो बातों को डिस्प्ले कैसे करना है? डिस्कशन कैसे करें? डिस्प्ले बताए कैसे की बैनर्स लगा के करना है कि सेंटर से चिट्ठी डाल के बताना? अरे जब लगा हुआ है बोर्ड तो जो पढ़ेगा वो अपने आप ही क्लेरिफिकेशन देगा। जब मिलेगा तुमसे किसी ने बोला कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? आज तक तुमसे किसी ने बोला या नहीं बोला? किसने बोला? तुमसे आज तक किसी ने जिंदगी में ये बोला कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? तो बस जिन्होंने बोला उन्हीं से बात क्लियर करो तो भाई बताओ परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कहाँ है एक व्यापी? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी होगा। वो एक व्यापी बताओ। युक्ति ये है कि जो पढ़ेंगे जो कहने वाले हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ढिंढोरा पीटते हैं तो जो भी ये पढ़ेंगे वो उनसे जाके पूछेंगे आपको तो घुसने नहीं देंगे। तो दूसरे जाके पूछेंगे कि सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं, ये तो ढिंडोरा पीटा, फिर एक व्यापी कहाँ है वो तो बता दो। मतलब पढ़ने वाले खुद को पूछेंगे। हाँ जी, और बहुत से ऐसे भी हैं कि वहाँ अभी भी सुनते रहते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। ये बैठ करके हम पूछे हैं कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो उनकी बुद्धि में प्रश्न पैदा हो जाएगा ना, जिज्ञासु की बुद्धि में। वो खुद ही जिज्ञासु पूछेंगे। सामान्य रूप से जो बातें सामने रखी, अभी 4-5 बातें सामने रखी ना, वो तो च्यू नहीं किया। तो जब च्यू नहीं किया तो उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि एडवांस पार्टी सूक्ष्म वतनवासी है या इसी दुनिया में। अभी तक जो सेवा की ना उसमें ये नहीं देखा था कि एक व्यक्ति कहाँ है, ये बताओ। हाँ, तो सामान्य बात आपने बता दी, एक व्यापी है, लेकिन वो एक व्यापी है कहने से भी बुद्धि नहीं चली, तो आगे कदम बढ़ाना पड़े कि नहीं बढ़ाना पड़े? तो बढ़ा दिया। बाबा, हाँ, पिछले संगठन में बाबा का श्रीमत आया था कि गीता पाठशाला में जो जैसे पहुंचता है वैसे साइन करना है। जी, जैसे पहुंचता है माना जिस टाइम पर पहुंचता है वो टाइम लिखना है, किसी का जगह नहीं छोड़ना है। हाँ, हाँ। लेकिन निमित्त भाई कहते हैं कि निमित्त टीचर का जगह छोड़कर साइन करिए। कोई भी हो, टीचर हो या पटीचर हो, कायदा कानून तो ये कहता है जो जिस नंबर पर आया है उसी नंबर पर अपने साइन करे और टाइम लिखे। ये पार्षद इकाई के लिए। हाँ, जगन्नाथ बनने वाली आत्मा वास्तविक ज्ञान अहमदाबाद से उठाती है। हाँ, अहमदाबाद से कौन? जगन्नाथ बनने वाली आत्मा, जगन्नाथ बनने वाली, जगन्नाथ बनने वाली, सोमनाथ है। सोमनाथ मंदिर की बात उठावेंगे तो शूटिंग के हिसाब से अहमदाबाद का नाम उठाया जाएगा। हाँ, जगन्नाथ का पूछना है कि जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में क्यों? जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में इसलिए कि जो जगत का नाथ है, जगत में ज्यादा संख्या गरीबों की है या साहूकारों की है। जब भगवान आते हैं तो गरीबों की संख्या बहुत होती है, और जो गरीब होते हैं उन गरीब की निवाज माने आवाज सुनने वाला एक भगवान भारत में आता है, और भारत में सबसे जास्ती गरीब देश कौन सा है? कोई ऐसा स्टेट है जो सबसे जास्ती गरीब है? हैं? उड़ीसा ही है। तो उड़ीसा में ही वो यादगार बनी हुई है जगन्नाथ की। और गीता की 108 से ऊपर टीका हो चुकी है। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान से गीता की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती? वो उस बात पे ज्ञान क्यों नहीं दे पाती है कि जो गीता का ज्ञान है वही मौनी के अंदर समाया हुआ है? हाँ, तो उस बात को स्पष्ट रूप से बाहर लाने का प्रयास क्यों नहीं करती? वहाँ क्यों नहीं करती? मैंने उनकी समझ इस हिसाब से दृष्टिकोण को पकड़ नहीं पाती कि गीता का ही ज्ञान वास्तव में मौनी के अंदर समाया हुआ है। हाँ, तो उसको स्पष्ट रूप से उनकी तरफ से कोई व्याख्या नहीं आता, क्योंकि खुद नहीं समझा होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? और शास्त्रों को भी मानती नहीं है। हाँ, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो शास्त्रों में ये बात आई कैसे कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे, और ब्रह्मा बाबा ने भी ये बात मुरली में बोल दी। एक बार नहीं बार बार बोली है ये बात कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे, माने शास्त्रों के ऊपर इतना गहरा विश्वास है। तो शास्त्र झूठे हैं या सच्चे हैं? शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा है? तो गीता सच्ची है या झूठी है? गीता भी सच्ची है परंतु उसका भगवान झूठा बनाई दी है। उसे हम सच्चा करें तो सच्ची गीता निकल आएगी। और भक्ति का अंत भक्ति मार्ग का संस्कार 100 भक्ति का अंत 100% अंत हो जाए पहुँच जाए। हाँ 100% भक्ति का अंत हो जाए तो एक भी निशानी भक्ति मार्ग की दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी तो कोई न कोई बातचीत करने में भक्ति मार्ग की निशानी मुख में से बाहर आ जाती है। अगर भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाए 100% तो कोई भी निशानी बाहर नहीं आएगी। वो शास्त्रों में पूछते हैं तो शास्त्र के हिसाब से कोई भक्ति मार्ग हो गया है। शास्त्र के हिसाब से पूछते हैं हाँ वो भी भक्ति मार्ग हो गया जी? बात नहीं है। शास्त्रों में पहले सच्चाई थी या नहीं थी? हर चीज दुनिया की सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होती है नहीं होती है? तो शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे और बाद में तमो प्रधान हो गए। टीकाएं और व्याख्याएं बात बात की सुनते सुनते सुनाते सुनाते लिखते लिखते ऐसे ही जैसे ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सच्चा है या झूठा है? सच्चा। फिर वही ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जो आप सुनाया जा रहा है वो झूठा हो गया या सच्चा हो गया? झूठा हो गया। तो ऐसे नहीं है कि शास्त्रों में जो भी बात है वो सब झूठी है, सब भक्ति मार्ग है। नहीं, शास्त्रों में अच्छा भी है बुरा भी है। जो भक्ति मार्ग के अनुसार उसकी व्याख्या कर दी गई है वही गलत है। बाबा ये जो माला बिकते हैं मार्केट में 100 ही क्यों होते हैं? 108 नहीं होते? अलग अलग धर्मों की अलग अलग मालाएं होती हैं, उनकी अलग अलग संख्या के गुरिये होते हैं। मुसलमान में 100 ही रहता है, जैन धर्म वाले 100 यहाँ भारत में। और हाँ जी बाबा शुरू में कई बार ये पॉइंट आ चुकी है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ 18 ऋषि से कोई बदला नहीं पहचान। शुरू में हमारे बाबा के समय में ये वाणी में कई बार ये पॉइंट आ चुकी है मैं जो हूँ जैसा हूँ 18 ऋषि से कोई बदला ही पहचान। अभी पूछना क्या है? ये पॉइंट का आती नहीं है ये पॉइंट नहीं आता, इसीलिए नहीं आता है कि जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ वो बताना पड़ेगा। तो बताने वाला कोई बिरला ही होगा या सब बताएंगे? बिरला ही होगा। किसी ने पूछा भी है और जवाब भी दे दिया है। बाबा कोर्ट में एक पुतला दिखाते हैं लेडीज का जिसके हाथ में तराजू दिखाते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाते हैं। वो महिला माता है या कन्या है? वो भारत माता है। ये तो है ही अंधे और लंगड़े की कहानी। है? हाँ जी, अलग अलग है। शिव शंकर भोले भाले अलग अलग हैं। हैं? ये कैसे हो गए? तुम्हें ये पता चला नहीं, इसलिए पूछ रहे हो। हैं? तुमको भी पता नहीं चला कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को पता नहीं है। हैं? अरे शिव और शंकर एक कैसे हो गए? पुरुषार्थ करते करते एक हो गए या पुरुषार्थ करने से पहले ही एक थे? शंकर ने ऐसा याद का पुरुषार्थ किया, ऐसा लवलीन होने का पुरुषार्थ किया कि दोनों मिलकर के एक हो गए। और आत्मा एक नहीं हो पाई, लेकिन वो दोनों मिलकर के एक हो गए। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक समझे जाते। साईं बाबा अपने भक्तों को अभी भी साक्षात्कार कराते हैं, उनके भक्त कौन? साईं बाबा। हाँ, अपने भक्तों को अभी भी साक्षात्कार कराते। क्यों हनुमान नहीं कराते हैं अपने भक्तों को साक्षात्कार? हाँ, गणेश जी अपने भक्तों को साक्षात्कार नहीं कराते हैं। तो कैसे बाबा? कैसे बाबा? वो तो बाबा ने बोला है, मैं ही कराता हूँ। जो जिसकी पूजा करते हैं वो चाहे झूठ है ना सच्चा है, लेकिन उनकी आस बंधी हुई है तो उनकी आस पूर्ति मैं कराता हूँ। मतलब साईं बाबा का पार्ट भी बाबा का ही है। हैं? साईं बाबा का पार्ट भी बाबा का ही है। साईं बाबा का पार्ट बाबा का नहीं है। साक्षात्कार साईं बाबा जो है वो सन 1936 में नहीं आया। 100 साल जब अंत के रह जाते हैं उसमें नहीं आते हैं, वो तो पहले ही आ गए। वो साईं बाबा का पाठ कैसे हो सकता है? साईं बाबा का पाठ होता तो शरीर छोड़ने से पहले स्वर्ग स्थापन करके जाते कि दुनिया नरक ही बनी रहती। स्वर्ग हो जाता, लेकिन स्वर्ग तो नहीं बने, यादगार मंदिर बन गया। तो उनका कहने मतलब आत्मा वही है क्या? है? उनका कहने मतलब फिर वही आत्मा वही। अरे आत्मा वही भगवान की तो तब होगी जब वो भगवान का कार्य करके दिखाए, नरक को स्वर्ग बना के दिखाए। आदमी मर जाता है उसको जन्म कितनी देर बाद मिलता है? आदमी मर जाता है उसको जन्म कितनी देर बाद मिलता है? तुरंत जन्म नहीं होता है, गर्भ में प्रवेश होता है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरे सेकंड ही प्रवेश कर जाती है। धीरा धीरे लग जाते हैं। ये सब हिंदुओं की मान्यता में ही दुनिया में चलता है कि मुसलमान पारसी और ईसाई सब में यही बात चलती है। हैं? ये तो अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी है। आपका नाम क्या है? और यदि के आदि में ही गीता शास्त्र का ये अनुवाद विष्णु होता था। हाँ हाँ, गीता शास्त्र का जो शुरुआती स्तर से अभी तक शुरुआती स्तर से महत्व परमात्मा आके दे रहे हैं। हाँ, इसका क्या राज है? इस वजह से परमात्मा जिस वजह से उसने का क्या राज है गीता शास्त्रों में? हाँ, 1936 में शुरुआती स्तर में उसको दिया गया किया। असली राज तो यही है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ा राज भी है। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शिव के ऊपर विराजमान क्यों है? शिव के ऊपर विराजमान नहीं है, शंकर के ऊपर विराजमान है। शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी के ऊपर कैसे विराजमान होगी? इसे समझने के लिए, समझाने के लिए पहले ये समझाना पड़ेगा कि शिव शंकर एक कैसे हो गए। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब ये बात समझानी है कि शंकर प्रैक्टिकल जीवन में अपने को आगे नहीं बढ़ा के रखते, किसको आगे बढ़ाते हैं? कन्याओं माताओं को सर पर उठा के रखते हैं। तो कन्या को ये तमंगा मिलता है पतित पावनी गंगा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई ब्राह्मण धर्म की, शंकर द्वारा गलत मान्यताओं का विनाश होता है। फटी टूटी पुरानी मान्यताओं का विनाश होता है, बलि विनाश होता है, परंतु फिर भी पतित पावन तो नहीं बन जाते? पतित दुनिया पावन बन जाती है क्या? बन जाती है, हैं? शंकर द्वारा जो पाठ चलता है उस पाठ के द्वारा पतित पावन बनते हैं, फिर और ही ना करते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? और ही जास्ती ना करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, समझना समझाना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और कराना अलग बात है। ये काम किसके द्वारा कराते हैं? ज्ञान गंगाओं के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। इसलिए जो सेवा करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, उन्हें लाडले बच्चों को सर पर उठा के रख लिया जाता है। बाबा, मुझे जन भाई ने पूछा तुम्हारा बाबा सृष्टि पर आ गया तो ये सृष्टि को, विश्व कौन संभालता है? ये विश्व कौन संभालता है? मैंने बोला हमारा बाबा साकार में आ गए हो निराकार, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विदु नाना। हमारा बाबा ऐसा है, आँखों भी नहीं है वो सब देखते, नाक भी नहीं हो सब सुनते, कान भी नहीं हो सुनते, तोड़ भी नहीं हो, बड़ा कार्य करता है हमारा बाबा। तो तुम हमारी गीता पाठशाला और आ जाओ, मैं तुमको सुनाता हूँ, ऐसा बोला मैं। आपने जितना सुनाया उससे उसको आश्चर्य हुआ कि नहीं? हुआ ना? हाँ? हुआ। आया नहीं? फिर नहीं आया। हाँ, बाबा गंगा के लिए बोलती है कि वो गौमुख में आके शुद्ध बनती है। हाँ? गंगा जो है वो गौमुख में आके शुद्ध बनती है। हाँ जी, हरिद्वार में नहीं, ऋषिकेश में नहीं, गंगोत्री में नहीं। सही बात है। गंगा भी आकर बच्ची किसकी है? शिव बाप की बच्ची। अरे शिव बाप क्या अपने पेट में से पैदा कर देता है? बाप बच्चों को अपने पेट से पैदा करता है क्या? फिर बीच में मीडिया कौन बनता है? माता बनती है। तो गंगा भी किसकी बच्ची है? अरे जोर से बोलो ना, जगदम्बा की बच्ची है। तो जगदम्बा ही कामधेनु के रूप में, गाय के रूप में दिखाई जाती है। जरूर जगदम्बा ने गंगा को ज्ञान दिया होगा, इसलिए दिखाते हैं कि कामधेनु गाय के मुख से गंगा निकली। सबका विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। क्या होगा? 2036। हाँ, सबका विनाश हो जाएगा। सबका विनाश हो जाएगा माना सामने लिखा है ना कि 2036 में लास्ट आएगा, सब विनाश हो जाएगा। 5 तत्वों का विनाश नहीं होता है, आत्माओं का भी विनाश नहीं होता, सबका कैसे हो जाएगा? तो परमात्मा का भी विनाश नहीं होता है, तो सब में आत्मा, परमात्मा और 5 तक तो आते हैं कि नहीं आते हैं, तो सबका कैसे हो जाएगा? हैं? बाकी इन आँखों से जो देखते हैं, उस सब का विनाश हो जाएगा। और शूटिंग पीरियड से लेकर एक सवाल है, शूटिंग पीरियड को लेकर एक सवाल है। अगर हम लोग ने 2003 के आसपास अगर बेसिक नॉलेज ली हो और बेसिक नॉलेज में जो भी पढ़ा है वो हमको नहीं जमा, हमने शायद किसी कारण छोड़ दिया और उसके बाद एडवांस लिया, तो वो बेसिक की भी शूटिंग होगी क्या? माना बेसिक शूटिंग होती है क्या? ऐसी तो कोई आत्मा नहीं हो सकती। जिसने बेसिक ज्ञान न उठाया हो, आ आई ई ए बी सी डी न पढ़ी हो और BA में पास करके दिखा दो, बेसिक लिया है लेकिन बाद में फिर वो कभी आगे जाके मुरली नहीं सुनी या कुछ नहीं, क्योंकि उनके कोर्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे जमे नहीं। जैसे सत्युग में बच्चे कैसे होते हैं, सत्युग में कोई थोड़ा पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई का फाउंडेशन कच्चा है, कोई का पक्का है, लेकिन है जरूर। और सिख और संन्यास धर्मों में प्रजापिता का कौन सा बड़ा पार्ट है? प्रजापिता का कहाँ? सिख और संन्यास, हाँ, धर्मों में, सभी धर्मों में राज्य का फाउंडेशन डालने के लिए जो वेद का लौकिक बाप है उसी को जाना पड़ता है। एक धर्म की बात नहीं है, दो धर्म को की बात नहीं है, न सिर्फ सिख धर्म और ईसाई धर्म की बात है, सभी धर्मों में जो राजधानी स्थापन करने का पार्ट है वो वेद के लौकिक बाप का है। पारलौकिक बाप का वो पार्ट नहीं है। पारलौकिक बाप हिंसक राजधानी की स्थापना नहीं करता है। कौन सी राजधानी की स्थापना करता है? अहिंसक राजधानी की स्थापना करता है। रूहानी बाप है। और शंकर जी के दो पत्नी बताई, जगदम्बा और पार्वती। तो जगदम्बा जगत की अम्बा है, तो फिर शंकर की पत्नी कैसे बताए? हैं? शंकर की पत्नी कैसे बताए? वो जगत का पिता नहीं है क्या? तो है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, ऐसे नहीं कहा जाता? कहते तो है, तो कहते तो है, तो है भी। वो जगत का पिता है, वो जगत की माता है। जगत माता माने जगदम्बा, जगत पिता माने जगत, हाँ? शंकर जी मेरे अम्मा किधर है? हाँ? शंकर की अम्मा किधर है? अम्मा किधर है? अरे जिसका माँ बाप कोई है ही नहीं वो सबका अम्मा सबका बाप। तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहा जाता है, तो उसका बाप और माँ कौन होगा? वो स्वयंभू है, स्वयं प्रत्यक्ष होता है, उसको जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय दूसरा कोई नहीं दे सकता। और शंकर और विष्णु अगर साकार में नहीं होते तो उनके इतने मंदिर और मूर्तियाँ कहाँ से आते हैं? बता, साकार में तो है उनका पार्ट। हाँ, तो मंदिर मस्जिद भी तो है नहीं, पर ये ब्रह्मा कुमारिया तो नहीं मानती ना शंकर को, शंकर पार्टी बोलते ना, तो उन्हीं से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रही है? विष्णु का पार्ट भी चलने वाला है, विष्णु का पार्ट भी चलने वाला है, जिनकी भी मूर्तियाँ हैं सबका पार्ट शंकर में चलता है। वो यादगार बनी हुई है, तो कभी होकर गए हैं कि बिना ऐसे ही मूर्तियाँ बन गई। जिनके भी मंदिर हैं यादगार, वो यादगार मंदिर ये साबित करते हैं वो कभी होकर गए हैं। चौराहों पर, तिराहों पर बड़े बड़े नेताओं के बुत बने हुए हैं, गांधी जी का, शिवाजी का बुत बना हुआ है, तो कभी होकर गए हैं तब बना है या ऐसे ही बना दिया है? तो विष्णु और शंकर इनके भी बुत बने हुए हैं और ऐसे ही बुत नहीं बना दिए हैं, ये कुछ करके गए हैं, सब इनके बुत बनाए हुए हैं और पूजा की जाती है। बाबा शिवाजी की जो माँ दिखाई है जैसा वो मम्मी के लिए बताया गया है जबकि कल्पना को हम सोचते थे कि वो मम्मा रहेगी ओम राधे और बाबा ब्रह्मा बाबा रहेगी शिवाजी के। तो अभी हाल ही जो क्लियर किया वार्तालाप में वो मम्मी ओम राधे बाद में आई है या पहले आई है? अरे अम्बा होगी जगत की तो पहले होगी बाप के साथ या बाद में आएगी? तो ओम राधे मम्मा पहले आई या बाद में आई? बाद में आई। तो जगदम्बा कहाँ से हो गई? हाँ, टाइटलधारी जगदम्बा है। जो असली जगदम्बा यज्ञ के आदि में थी उसका टाइटल ओम राधे मम्मा को मिल गया। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो उसका टाइटल वाइस प्रिंसिपल को मिल जाता है जब तक कार्यवाहक बनकर के रहे। और तो शिवाजी के पिताजी शाहजी का पार्ट कौन है? शिवाजी के पिताजी शाहजी का पार्ट किसका है? ये पार्ट बताने का काम शिव बाबा का है कि बाप दादा का है, किसका है? हैं? 500-600 करोड़ आत्माओं का एक एक का पार्ट बताएगा बैठ के? हैं? नहीं? तो वाणी में पहले ही बता दिया बाप दादा कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। ये पार्ट किसका है? और और 2011 का कैलेंडर है ना, सेम ही है, वही डेट वही सब। हाँ, 83 में जगदम्बा आ गई। हैं? 83 में जगदम्बा आ गई। हाँ, तो 83 में जो हिस्ट्री लौकिक में रिपीट हो गई ना, वही हिस्ट्री अभी रिपीट हो गई है। तो 2011 में क्या हो जाएगा? कौन आएगा? 11 और 13 से क्या कनेक्शन? वर्ल्ड कप जीता था बाबा। हैं? वर्ल्ड कप? क्रिकेट मैच। तो वर्ल्ड में सबसे एक्सपर्ट भारत माना गया 83 में, अब फिर 11 में भी हुआ। क्या क्रिकेट बीच में क्रिकेट खेला ना वो दिया। दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, दुनिया की बुद्धि जहाँ जा रही है वही ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि जा रही है ना। उन लोगों का कहना ऐसा है। हाँ, 1983 में जो पार्ट हुआ था वही रिप्लाई अभी 2011 में हो रहा है। तो 83 में जब जगदम्बा आई थी तभी 11 में फिर आएगी। अरे 83 और 13 का कनेक्शन हो सकता है। 83 में भी 13 शब्द आया और 13 में भी 13 शब्द आता है। 11 से क्या कनेक्शन है? 83 का जो कैलेंडर है उसका तारीख डेट महीना एक ही है, उसी तरीके से 11 का तारीख डेट महीना एक ही है, वो तो हमेशा ही होता है, वही 12 महीने होते हैं। तारीख और डेट मिल जाए, दिन मिल जाए, दिन भी तो मिलना चाहिए। 2005 का भी सेम है। हैं? 2005 का। और वो ड्रामा भी तो वैसा ही रिपीट होना चाहिए। वही आत्माएं कहाँ से जन्म ले लेंगी? 5000 वर्ष का एक एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिल सकता। हाँ, 5000 वर्ष के बाद पूरी हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी, उससे पहले पूरी हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती। 100% रिपीटेशन अगर चाहिए तो 5000 वर्ष के बाद ही होगा, बीच में नहीं हो सकता। और बाबा बम्बई वाले कल बॉम्बो उखोड़ा है, बम्बई वाले कल बॉम्बो उखोड़ा बम आवाज रात को आएगा मैं बम फोड़े फोड़ रहा था कल फटाक दिवाली मनाई। वो तो दिवाली में छोड़ते हैं, होली दिवाली में छोड़ते ही रहते हैं, ये क्या बड़ी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अभी तो एटम बम फोड़ेंगे लोग। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी पूजा की जाती है। शरीर छोड़ता है तो उसकी पूजा की जाती है। कहाँ की जाती है पूजा? मुर्दे की। मुर्दे की पूजा कहाँ की जाती है? होती है। अरे उनके घर वाले करते होंगे और कौन करेगा। और क्यों जलाते? क्योंकि वो बे अभिमान छोड़ते नहीं है। जब दुनिया का विनाश होता है तो पूरा देह अभिमान नहीं छोड़ते हैं, देह अभिमान की मिट्टी में ही गड़े रहते हैं। इसलिए उनकी परंपरा में जब शरीर छोड़ा जाता है तो देह अभिमान की मिट्टी में ही गाड़ा जाता है। तो क्रिश्चियन के वही हो रहा है। क्रिश्चियंस भी वो देह अभिमान नहीं छोड़ते हैं। क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के कम जन्म होते हैं या पूरे 84 जन्म होते हैं। क्यों होते हैं कम जन्म? उनका देहभान नहीं छोड़ा है, जितना देहभान रह गया उतने जन्म कम हो जाएंगे। हाँ, ज्ञान के आधार पर आत्मा तो परमात्मा होता है। यही बात तो ब्रह्मा कुमारियों से भी पूछनी है कि दुनिया में जब इस बात का गायन है कि आत्मा सो परमात्मा, तो गायन है तो उसका कुछ न कुछ निशान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सब आत्माएं सो परमात्मा नहीं होती है। एक ही आत्मा है प्रजापिता की या शंकर की जो पुरुषार्थ करते आत्मा से परमात्मा की स्टेज पर पहुंच जाती है। तब गायन होता है संसार में आत्मा सो परमात्मा। तो सुप्रीम सोल में विलीन हो जाती है क्या? विलीन नहीं होती है, संस्कार में समान स्टेज पर पहुंच जाती है। बाप समान बन जाती है। बाप बनना अलग बात और बाप समान बनना अलग बात। हाँ, राज होता नहीं और संगठन भी होता नहीं है। क्लास होता नहीं, संगठन में बराबर होता नहीं, मिस होता, अटेंड नहीं होता, मिस होता है। क्लास संगठन में मिस होता है, अटेंड नहीं। तो अपनी इच्छा की बात है, अपना अपना महत्व देने की बात है। जो ईश्वर के क्लास को महत्व देगा वो अटेंड करेगा, मैं तो नहीं देगा तो रेगुलर भी नहीं बनेगा, पंक्चुअल भी नहीं बनेगा। पहले जैसा स्थिति नहीं है। हम तो बता दिया ना, पहले सतो प्रधान फिर सतो सामान्य फिर रजो और तमो, चार अवस्थाओं से यहाँ भी शूटिंग होती है। यहाँ से भी गुजरना है। दुनिया 2,500 या 5,000 वर्ष का जो ड्रामा है वो 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? तो शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे तो हो रहे। मना उलिखने का मुझे लगता है कि उनकी बच्ची शायद सरेंडर होगी। बाबा लौकिक संबंध अगर कन्या कुमारी की कमी महसूस करते हैं तो उसकी शूटिंग ज्ञान में कैसे होगी? इसका मतलब उनकी बच्ची शायद कन्या होते हुए ही कुमारी हो, 100% कुमारी बन के रहे। उसका गायन कन्या कुमारी के रूप में होता है, सभी कुमारियों का नहीं। क्या पुरुषार्थ करने वाली कुमारियों में कोई एक कुमारी ऐसी निकलती है जो जब से ज्ञान में आती है तब से लेकर के अंत तक कुमारी जीवन व्यतीत करती है। उसका गायन होता है कन्याकुमारी का। जो ओटे सो अर्जुन कहा जाता है, लेकिन पहले नंबर में ओटे। और अलग क्यों किया था ब्रह्मा कुमारी ने? मूर्ति का और सृष्टि चक्र अलग क्यों किया था? सृष्टि चक्र में 400-500 करोड़ आत्माएं भ्रमण करती हैं और त्रिमूर्ति में तो 3 ही आत्माएं हैं। वो 3 आत्माएं सूक्ष्म वतन में कार्य करती हैं। जब बाप आते हैं 84 जन्म में थोड़ी भ्रमण करती हैं। इसलिए सृष्टि चक्र का चित्र अलग बना दिया और त्रिमूर्ति का चित्र अलग, और ब्रह्मा कुमारियों ने थोड़ा ही बनाया है। वो तो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए हैं। और गाय के पेट में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में सिर्फ 9 लाख देवताएं। 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं। बीज में सारा ही समाया हुआ होता है या अधूरा समाया हुआ होता है। तो बीज आ गए माने 33 करोड़ सब देवताएं आ गए। भारत माता की जय बोला जाता है, लेकिन उनसे भी देश से नाम से भारत माता की जय बोला जाता है। मतलब भारत देश के लिए बोला जाता है, लेकिन उनसे भी देश के लिए वो बोला नहीं जाता है। वो लोग ऐसा मानते नहीं क्या? तो अमेरिका माता की ऐसा सिर्फ भारत माता की जय बोला जाता है। मैंने उनको जन्मभूमि का प्यार नहीं किया उन लोगों को। जो माता का सम्मान नहीं देता है वो असुर होता है या देवता होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो दूसरे देशों में कैसे कहेंगे दूसरे देशों की जय? वो भारत माता को ही मानते हैं। वो नहीं मानते, भारतवासी मानते हैं। लास्ट में उनको मानना पड़ेगा। वो नहीं मानेंगे, लास्ट में भी नहीं मानेंगे। वो विधिकारी है, जानवर संप्रदाय है या देवता है? हैं? जो बंदर संप्रदाय होते हैं उनमें माँ, बहन और बेटी होती है। जैसे नास्तिक संप्रदाय है 100% विचारी रशियंस, तो उनमें माँ, बहन और बेटी होती है। कोई संबंध नहीं मानते। वो जानवरों की दुनिया है। वो विदेश है, ये भारत देश है। पाकिस्तान भी भारत का ही अंश है ना, तो वो लोग मानेंगे नहीं। पाकिस्तान भारत का ही खंड है, मतलब भारत एक ही था पहला। पाकिस्तान तो भारत का खंडन किया गया है, तो वो मानेंगे तब बना है। नास्तिक धर्म तो माना माता पिता को या आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन फिर आखिरी में भी उसको तो राज दिया गया ना, तो राज होता है। राजाएं वो राजाओं को खत्म करने वाले हैं। हाँ। या राजाएं राजा ही चलाने वाले हैं। उनका तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य रहता है हमेशा, और राजाओं के राज्य को वो कत्लेआम कर देते हैं। कत्लेआम तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी तो नास्तिकों वही लीडरशिप नहीं, लीडर को राजा नहीं कहा जाता। राजा उनको कहा जाता है जिनकी वंश परंपरा में राजा ही राजा पैदा होते रहते हैं। और एक मिनट है 84 जन्म लेने वालों को बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। 84 जन्म लेने वालों को बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो उससे कम जन्म लेते हैं उनको कौन पढ़ाते हैं? उनको उनको दूसरे धर्म के लोग पढ़ाते हैं। लेकिन धर्म पिता जो बनते हैं, धर्म पिताओं को भी तो बाप ही पढ़ाते हैं। वो नहीं पढ़ते बाप से पूरी पढ़ाई, कम पढ़ाई तो आते हैं नमन करके चले जाते हैं हमारे अहंकार के। कम पढ़ाई पढ़ी इसीलिए धर्म पिता बनते हैं। वो पढ़ते ही नहीं है, आते तो है ना नमन, वो आते हैं सिर्फ नमन करके चले जाते हैं बस। उनको पढ़ाने के उनको धर्म की पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त कौन बनता है? जो बाबा के बच्चे पढ़ते हैं वो उनको पढ़ाने के निमित्त बनते हैं। पूर्वज है ना, 9 धर्म हैं, 8-9 धर्म। उन 8-9 धर्मों के 9 पूर्वज हैं या नहीं है? बीज रूपात में वही उनको पढ़ाने के निमित्त बनती है। वो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, 8-9 तो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं ना। वो 84 जन्म भी लेते हैं, 8-9 पूरे जन्म 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो 8-9 है सारी दुनिया के पूर्वज हैं, वो 84 जन्म नहीं लेंगे, है ना। सप्तश्रृंगी देवी पर्वत पे क्यों दिखाई? सप्तश्रृंगी 7 सिंगों वाली। अरे भुजा अलग बात है, सिंह अलग बात है। श्रृंगी श्रृंगार, शब्द श्रृंगार बाबा, श्रृंगी नहीं है, श्रृंगार है। शब्द श्रृंगी 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 पर श्रृंगार। सबसे ऊंची कौन है? सबसे ऊंची है वैष्णवी देवी। तो वो सबसे ऊंची है, वो पहाड़ पर ही दिखाई जाएगी या गड्ढे में दिखाई जाएगी? उसकी अवस्था ऊंची स्टेज दिखाई गई है। बारह राशियों के 12 अलग अलग सिंबल्स दिखाए हैं, जैसे बिच्छू, कन्या, तराजू आदि आदि। इनका क्या अर्थ है? जो सिंबल्स दिखाए हैं उन सिंबल्स का वही अर्थ है जो दिखाए गए। उनमें भेद भी दिखाया जाता है, थोड़ा अंतर भी दिखाया जाता है। सिंह राशि जैसे दिखाते हैं, तो राशि सिंह नाम होने से कोई ये थोड़े हो जाता है कि जन्म जन्मांतर वो शेर जैसा ही पार्ट बजाने वाली आत्मा है। हर जन्म में हर आत्मा की राशि बदलती भी रहती है। हर जन्म हाँ जी, काम के अनुसार नाम पड़ जाता है राशि का। और 12 शब्दों को उल्टा किया तो राधा हो जाता है। 12 शब्दों को उल्टा किया तो राधा हो जाता है। तो वो राधा वो प्रभाव के विरुद्ध शक्ति है राधा, तो ऐसा उसका मतलब होता है। राधा माने राम को धारण किया सो राधा, और उसे उल्टा कर दिया तो धारा नीचे की ओर बहती है, चाहे वो गंगा की धारा ही क्यों न हो। जब नीचे की ओर बहती है तो शक्तिहीन होती जाएगी, यह शक्तिशाली बनेगी तो शक्तिहीन हो जाती है। नदी का कनेक्शन अगर बाप से है तो नदी पतित पावनी है, अगर बाप से कनेक्शन नहीं है, नीचे नीचे पाठ बजाने वाली आत्माओं से कनेक्शन है तो नदी क्या बन जाती है, नाला बन जाती है। भारत माता दूसरे देशों को क्यों नहीं दिया है? भारत को इतना नाम मिला, भारत माता दूसरे देशों को क्यों नहीं दिया? अभी तो पूछा इस भाई ने तो उसका जवाब दिया कि और धर्म के लोग माता को उतनी मान्यता नहीं देते हैं, माता का पोल्यूशन करते हैं, और भारत में माता की विशेष मान्यता है। आरंभ से ही कन्या माताओं को विशेष मान दिया जाता रहा, इसलिए भारत माता का गायन है। दूसरे देश जो माता की स्टेज पर नहीं है। दिवाली के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं, दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। मुझे आंसर, कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्मा ऐसी होती है कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाए राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई माना हमारा नया जन्म हो गया। गुड़ी पाड़वा का क्या है? ये आपकी भाषा है, हमें समझाओ क्या है गुड़ी पाड़वा का क्या मतलब? ये क्या मालूम, आप अपनी मराठी में बताओ ना। मना चैत का वो पाड़वा कहा जाता है ना, प्रतिपदा, चैत का शुद्ध प्रतिपदा होता है ना, वो नया साल शुरू होता है। होली के बाद 15 दिन के बाद चैत मास शुरू होता है, वैसे तो होली से ही शुरू हो जाता है, लेकिन शुद्ध पक्ष का जो प्रतिपदा होता है अमावस के बाद, पहले कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष के बाद में जो शुद्ध पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष है, उसके बाद जो प्रतिपदा आती है, मध्य पक्ष के बाद जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, तो उसी टाइम ये महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा एक त्योहार मनाया जाता है, मना नया ईयर मनाया जाता है। व्यापारी लोग भारत में युगादि बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर उसको नया ईयर मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। हाँ। जैसा दिवाली पे नया ईयर मनाते हैं ना, जैसा 1 जनवरी से नया ईयर मनाते हैं, उसी तरीके से शुद्ध प्रतिपदा को चैत्र में नया ईयर मनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। भाई वो झंडा का एक निशानी है, झंडा का इस तरह का है। हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया साल मनाते हैं, जब ये संस्कृति महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, तो नहीं है कि हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया वर्ष मनाते हैं। चैत्र महीने, चैत्र पहला महीना है, चैत्र रामनवमी, वही रामनवमी से पहले। उसको युगादि कहते हैं। हाँ, युग की आदि तब होती है जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त जब स्थिर हो गया तो हम स्थिर चित्त की औलाद हो गए चैत्र। ये हमारी शुरुआत हो गई, नए युग की शुरुआत हो गई।